नया साल आ रहा है, जाएंगे नए साल। हेलो गाइस, 2023 आपको मुबारक हो। तो ये जो आज की वीडियो है ना, ये व्लॉग नहीं है, ये आज की वीडियो जो है ना, ये एक मोटिवेशन होगी मेरे लिए, आपके लिए, जो बंदा ये वीडियो देखेगा उसके लिए। अव्वल तो ये मैं वीडियो बना रहा था बिल्कुल ही खसूसन अपने लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ तो आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप बदल के दिखाएंगे, आप ज़रूर बदलेंगे मेरी तरह। मैंने पिछले सालों में जो बर्बादियाँ, जो कुछ भी किया है, मुझे वो याद है, सब याद है कि मैंने ना ठीक से पढ़ा है, ना ठीक से किसी का कहना माना है, ना ठीक से अपने कोई गोल बनाए हैं, ना ठीक से कोई वीडियो बनाई है। मैं वो सब चीज़ें आज इसी वक्त ख़त्म कर दूँगा। इस वीडियो का मकसद यही बनाने का होगा कि मैं इस वीडियो में अपनी जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज करने वाला हूं, ताकि 2023 जब आएगा तो मैं एक नया कासिम फुकरा बन के दिखाऊंगा लोगों को। तो यार, जो 2022 में मैंने जो फ़ैसले किए, जो गलत फ़ैसले किए और गलत आदतें अपनाई थी, जो मैं काम नहीं कर सका, गोल कोई नहीं बना सका, लेकिन 2023 में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज करने वाला हूं। आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, आप भी फैसला कीजिए, आज ही कीजिए कि मैंने बस 2023 में कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, कुछ अपने लिए गोल सेट करने हैं, अपने माँ बाप को जो है ना वो हर खुशी देनी है जो कि हम नहीं दे सके 2022 में। अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने बहन भाई के लिए करना। तो जो भी पिछले साल मैं नहीं कर सका वो इस साल करके दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा, जी जान लगा दूंगा, बस एक गोल के पीछे पड़ जाऊंगा। इस डलते सूरज की तरह मैं अपनी वो हर आदत को आज इसी वक्त डुबा दूंगा, ताकि कल नया आने वाला वक्त एक नया सूरज और एक नई उम्मीद के साथ मेरा उजाला हो और मेरा नाम बने। इतनी स्ट्रगल करूंगा कि जितना एक कामयाब इंसान करता है अपनी मेहनत से, अपने लगन से जो काम करता है। सबसे पहले तो हमें अपनी आदतें जो छोड़नी होंगी, वो मैं अपनी आदतें आज के बाद मैं इस वीडियो में कह रहा हूं कि वो आदतें मैंने कभी नहीं अपनानी, ना ही मैं करूंगा। जब ये मैं वीडियो देखूँगा अगले साल तो मैं एक नया ही इंसान बन के दिखाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैंने इस साल में जो खोया है ना, वो अब मैं वापस नहीं ला सकता। पहले मैंने अपने साल इस साल में बड़े फैसले किए, भई अब मैं एक फ़ैसला कर लेता हूँ, इसके बाद मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक आदत जो है वो अपनाई, फिर उसको छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं छूटी। लेकिन अब मैं फैसला कर रहा हूँ अपने दिल से, दिमाग से, और इस जाने वाले 2022 से, इस 2022 के जाने वाले वक्त में मैं अपने आप को, खुद को बदल के दिखाऊंगा। आपने भी बदलना है, एक नया यूट्यूबर आप में पैदा होना चाहिए। मैं भी एक नया यूट्यूबर बनूंगा, जो मैंने पीछे गलतियां की वो मैं सभी छोड़ दूंगा आज से, इसी अपनी हर वो बुरी आदत छोड़ दूंगा जो मैं पहले करता था। रात को देर से सोता था, वो आदत छोड़ूंगा। रात को सोता था, जल्दी उठता नहीं था, वो आदत छोड़ दूंगा। मैं हर वो आदत चुन चुन के अपने अंदर आज इसी वक्त छोड़ूंगा, ताकि मैं कल को एक नए सूरज के साथ जब मैं उठूं तो मुझे बिलीव हो अपने आप के कि कासिम, तुमने वो जो काम कहे थे वो तुमने छोड़ के दिखाया। और जब कल मैं किसी अगले फ्यूचर में जाके अपनी ये वीडियो देखूँगा तो मुझे अपने आप पर फ़ख्र होगा। ये मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ, अगला साल जो मेरा आने वाला वक्त है, इसमें मैं एक बदलता इंसान दिखूँगा, इसमें मैं कुछ और ही अलग ही करूँगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वीडियो जब मैं अब बार बार देखूँगा, मुझे यकीन होगा कि वाकई ही कासिम ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ अपने लिए किया है। और ये मैं इस दुनिया को नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अपने आप को बता रहा हूँ कि कासिम, तुमने कुछ करना है, बनना है। जो तुमने गलतियाँ कर ली सो कर ली, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इंसान को समझना चाहिए कि वो आइंदा से वो गलती जो एक बार की है उसने वो दोबारा ना अपनाए। अच्छा यार, जो पिछला साल गुजरा है ना मेरा, 21 में तो यूट्यूब का पता ही नहीं था ना, इतना ही पता था
के वीडियो देखते हैं, इसमें वीडियो लोग अपलोड करते हैं या पता नहीं क्या है, कोई यूट्यूब या जो वीडियो बना बना कर हमें दे ही जा रही है, तो हम देखी जा रहे हैं, बस इतना सा जहन में था। फिर जो है मेरी सिस्टर का जो है ना इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम एक व्लॉगिंग चैनल बनाओ, ऐसे ऐसे यूट्यूब पर काम करते हैं और बंदा कामयाब हो जाता है, ये देखो इतने लोग भी कामयाब हुए हैं। तब मेरा इतना इंटरेस्ट है भी नहीं था, तब भी मैं आप ही का कहना मान के ना एक दो वीडियो बना लेता था। तब जब मैं वीडियो बनाता था तो तकरीबन 2-3 या 8 व्यूज़ आते थे, तो उसके बाद मैंने 1-2 महीना उस पर काम किया उस चैनल पर, और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं ये काम होगा, वैसे भी मेरा इंटरेस्ट ज़रा सा भी नहीं था, ये कैसे वीडियो बनाएंगे, पैसे आएंगे, ऐसा वैसा, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना उनको यही है कि किसी तरीके से मेहनत करके जो है ना पैसा कमाया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, माँ बाप दुखी होते हैं, पता नहीं किन किन हालातों से गुजर के वो इधर आए होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, हमारे माँ बाप का मुस्तकबिल बन जाए, ताकि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होकर कोई या कोई दवाई वगैरह या यार कुछ 100 ज़रूरियात होती है गरीब इंसान की। ठीक है, एक गरीब इंसान को समझ सकता है, अमीर इंसान गरीब को नहीं समझ सकता उस अच्छे तरीके से। अच्छा, तो बात हम यूँ कर रहे थे कि जैसे ही वक्त गुजरता गया मैंने वो चैनल छोड़ दिया था, तब तो फिर मुझे एक साल बाद याद आया, आप ही ने कहा तुम फिर चैनल बनाओ, तुम कामयाब हो सकते हो, कासिम मुझे तुझमें कुछ नज़र आता है, तुम कर सकते हो। गाइस मैं ना लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरी दिल की बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी अम्मी से बातें करना चाहता हूँ। अम्मी जान को मैं इंशाल्लाह मैं अपनी माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं अपनी अम्मी को इस सोसाइटी में घर लेकर दूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी वो वक्त आएगा, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये सोसाइटी हमारे लिए इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी सोसाइटी ना कि हमारे अभी जहन जो है ना इतने छोटे हैं और ये सोसाइटी इतनी बड़ी है, तो बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है। मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा शौक है कि इसमें घर हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं फ़ैसला करता हूँ 2022 में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं अपनी अम्मी को इस तरह इस सोसाइटी बल्कि इस सोसाइटी में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सोसाइटी में घर लेकर दूंगा, बंगला बनाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं अपनी अम्मी को गाड़ी लेकर दूंगा। ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं अपनी माँ के कदमों में बैठ कर ये कहता हूँ कि जो 2022 में मैंने मेहनत कम की है, मुझे नहीं इतना पता था अपनी माँ के माँ बाप के लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मुझे एहसास है मैं अपनी माँ के लिए अपने बाप के लिए वो सब कुछ करूँगा, वो सारी दुनिया जहान की दौलत इकट्ठी करके अपनी माँ के पैरों के कदमों में रख दूँगा जो मैं नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा अम्मी जान कि मैं इंशाल्लाह आपको वो हर चीज़ दूँगा, फ्रंट सीट पर जब मैं गाड़ी लेकर आपको सामने बिठाऊँगा ना, ये मेरी दिल की बात है, तो इंशाल्लाह अम्मी जान मैं आपका हक तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि अम्मी को हर वो खुशी देने की कोशिश करूँ जिससे मेरी माँ खुश हो जाए, अम्मी जान मुझे प्यार दें, ताकि 2023 में मैं आने वाले वक्त में बदल के दिखाऊँ अपने आप को। आने वाले वक्त में आप ज़रूर बदलोगे इंशाल्लाह, मेहनत करो, मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है। अम्मी जान यकीन माने मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई बदल गया, तो 2023 में इंशाल्लाह फुल मेहनत करूंगा। तो मैंने जो बातें कही है ना अम्मी, ये वीडियो मैं रोजाना निकाल निकाल के देखूंगा। जी तो बताएं क्या पूछ रही थी, क्या ख्वाब आपके क्या ख्वाब है? मेरे ख्वाब जो मेरे बच्चों के ख्वाब है वही मेरे ख्वाब है, मेरे ख्वाब आपके बच्चों के ख्वाब। मैं एक बात बताऊं, मेरे ख्वाब ये है कि मेरे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी सोसाइटी में रहते हो, अच्छा खाना हो। अल्लाह की कसम इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, कभी हमारी माँ ने कभी अपने लिए नहीं सोचा, हमारे लिए ही सोचा कि हमारे बच्चे कपड़े पहन लें, जितना भी थोड़ा सा अभी भी हो अम्मी ने अपने मुंह से निकाल कर हमें देना होता है कि तुम खा लो, तो ये माँ की एक मोहब्बत है। सभी माएँ होती हैं, लेकिन हर माँ लेकिन हमारी माँ का प्यार अनोखा ही है दुनिया। हर माँ बाप को अपनी औलाद और हर औलाद को अपना माँ बाप बहुत ज्यादा पसंद होता है। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैंने जो अपने बच्चों को पहना नहीं देखा वो देखूं,
जैसे इनके ख्वाब हैं वो अल्लाह ताला पूरे कर दे। आमीन आमीन। बस अम्मी जी मैं आपको वो हरे ख्वाब पूरे करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। छोटी सी प्यारी सी हमारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई होगी। अगर आपके भी जज्बात हमारे जैसे ही हैं, मुश्किलें हमारी जैसी ही हैं, तो कमेंट तो एक लाइक करके जाना। मैं आपसे सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये हमारे दिल के जज्बात और जज्बातों को कभी बेचा नहीं जाता। अल्लाह हाफिज़।